हिलाया जा रहा है कैरी को हल्दी डालकर, और अभी अचार बनेगा। 2 किलो कैरी है, इसको देखिए किस तरह से हिलाया जा रहा है। अब मम्मी क्या डालेंगे इसमें? हल्दी और डालेंगे। अच्छा अच्छा, कम है ना, मुझे भी तंदूर। हाँ हाँ, अब डाल रही हैं मम्मी जी नमक अंदाजे से ना। मेरा तो अंदाज अंदाज मेरा सही रहता है, मैंने नाप तोल के कभी नहीं डाला। रख दूँ डिब्बा? इसको हिलाना है, फिर क्या करना है? इसको धूप में रखना है बस? नहीं, अभी तो इसको ऐसे ही बंद करके रख दो। अच्छा अच्छा, जब गल जाएगा ना तब धूप। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 किलो का अचार डल रहा है। गूंदे का अचार आपको बता ही चुकी हूँ सुबह, और उसमें 1/2 किलो कैरी डाली थी और 1/2 किलो लिसोड़ा डाला था। अब इसको मिक्सिंग करी जा रही है। इसमें पानी रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। और गुठलियाँ निकाल ली हैं, जाला भी निकाल लिया है, पतली लेयर भी निकाल ली है, सब में मिक्स हो गया। और काला काला जो होता है वो भी निकाल दिया ना मम्मी। तो अब ऐसे कैसे बनाएंगे मेरे को बता दो, इसकी विधि व्यूवर्स जानना चाहेंगे, तो आप बता दीजिए अचार की विधि। इसको ऐसे 24 घंटे रखेंगे। हाँ, सुबह इसको निकाल के सुखा कर। अच्छा, इसका पानी जो आएगा उसको फेंक देंगे। फेंक देंगे ना, कई लोग तो पानी भी डाल देते हैं अचार में, वो नहीं डालना चाहिए ना। अगर ज़्यादा दिन चलाना है तो पानी नहीं डालो। अच्छा अच्छा, और अगर रोज़ का खाना है तो भले ही वैसे ही डालो। अच्छा अच्छा, तो 8 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसको सुखा कर फिर मसाला मिला। मसाले तो बाजार वाला डाल, बाजार वाला। उसमें घर में क्या क्या हमें मिक्स करना है वो तो हम अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे नमक है, मिर्चा है, रोस्ट करके पीस के डालेंगे मसाले, ऐसे हिसाब होता है। सौंफ वगैरह, सौंफ का मसाला। आप बताइए क्या क्या डालते हैं? नमक, मिर्चा, हल्दी, सौंफ का मसाला। हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से जैसे भी। कलौंजी डालते हैं ना? कलौंजी। हाँ, कलौंजी भी पड़ेगी। तो सिरका डालना चाहिए अचार में? नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा सिरका डालते हैं बाद में, जिससे कि वो प्रिजर्वेशन हो जाए, प्रिजर्वेटिव के लिए डालते। तो सिरका नुकसान भी नहीं करता है अचार में? हाँ, तो आज का वीडियो इतना ही था व्यूवर्स, आपको समझ में आ गया होगा। मौका पड़ा तो मैं आपको बताऊँगी पूरी विधि। तो आज का वीडियो इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आप बहुत गुणी जन हैं, तो मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं, हालांकि कुकिंग संबंधी वीडियो मैं नहीं डालती हूं, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किए थे और मैंने सोचा सासू माँ आई हुई हैं तो इस अवसर का लाभ उठाया जाए और आपको अचार बनाकर बताया जाए। तो शीघ्र ही इसका पार्ट 2 आपको बताऊँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो, गारंटी नहीं देती, पॉसिबल हुआ तो। हाँ, अचार को रख दो वहाँ पे, है ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।